हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल ऐसा बहुत लोगों ने चर्चा किया है मैंने भी प्रीवियसली वीडियोज़ बनाए बट द रियल फैक्टर्स की दोस्तों कुछ सालों से इनकी प्लेसमेंट इतनी बुरी हो रही है इतनी बुरी हो रही है बट दिस कॉलेज इज नॉट इवन ट्राइंग टू इम्प्रूव इवन इनके प्लेसमेंट डेटा तो इंप्रूव नहीं हो रहे बट नंबर्स आर ऑल्सो गेटिंग वेरी डिस्ट्रैक्टेड एंड वेरी डिसोसिएटेड एंड एंड हम एक और वीडियो भी डालने वाले हैं वेर वी विल डिस्कस कि मीडियम एवरेज मीन मोड कैसा होता है प्लेसमेंट के अंदर हाउ दे कैलकुलेट एज वेल एज ये प्लेसमेंट में क्या है कि ये कॉलेज में कैंपस बहुत ही बेहतरीन है मैंने इसके कैंपस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है आप देख सकते हैं इसके अलावा दोस्तों ये कॉलेज में जब आप सी एस सी ये सब की बात करते हैं जब आप इसको हासिल करना चाहते हैं लाइक थ्रू थ्रू डायरेक्ट एडमिशन बिकॉज दिस कॉलेज ऑल्सो अफर टेन परसेंट ऑफ मैनेजमेंट कोटा सीट्स एंड लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट विच इज़ द रियल फैक्ट एज वेल एज बहुत सारे बच्चे जो अच्छा रैंक लाते हैं दो हज़ार तीन हजार रैंक लेके आते हैं दे इन्वेस्ट इन दिस कॉलेज एंड लीव बिग कंपनीज लाइक बिग कॉलेज में सीट खोज देते हैं जादवपुर में सीट छोड़ देते हैं गवर्नमेंट में सीट छोड़ देते हैं एंड दे गो फॉर दिस हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सॉरी हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैसा इनका प्लेसमेंट रियल स्टैटिक्स है वी विल डिस्कस वी विल डील विद नंबर्स हम लोग नंबर से बात करेंगे एंड वी विल डील विद दी एन आई आर एफ डेटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइक कॉलेज का फ्रेमवर्क रैंकिंग फ्रेमवर्क एंड वो रियल डेटा वहाँ पर अपलोड करते हैं बिकॉज दैट इज़ इवेलुएटेड एज वेल एज ये कॉलेज अपने साइट्स पर छिपा के रखती हैं आप खोज नहीं जाइए आपको नहीं मिलेगा बट मैंने इसको जुगाड़ किया है एंड थ्रू द ऑफिशियल डेटा सोर्सेज अब आप विश्वास कीजिएगा तो बहुत ही गजब का नंबर्स इसमें इवेलुएट होगा मैं कौन हूँ मैं दोस्तों मेरे लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस पेज में मैंने मैंशन आउट किया है आई एम होल्डर्स ऑफ लॉर्ड ऑफ अदर गुड कॉलेज नाउ लेट्स सी एंड डिस्कस सो करेंटली दोस्तों आप देख पा रहे हो यर इज़ द डेटा ऑफ दी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जो भी आने वाला है रैंकिंग के लिए इवेलुएशन के लिए दे हैव सबमिटेड दिस पर्टिकुलर डेटा एक्चुअली बात करते हैं इस कॉलेज में करंट जो अभी करंट है उसमें एक हज़ार स्टूडेंट्स मेल आ, है और यहाँ पर आप प्रीवियसली 960 अगर आप वहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ तक जाएँ तो आपको देखने को मिलेगा 2019 से लेकर अभी तक इन्होंने ऑलमोस्ट 15% परसेंट का बैच साइज बढ़ाया है ब्रांच नहीं बढ़ी है बैच साइज़ बढ़ा है एंड बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स अभी हायर हो रहे हैं तो ऑलमोस्ट एक हज़ार स्टूडेंट्स आप कह सकते हो और एक सौ बीस स्टूडेंट्स आप कह सकते हो पी जी कोर्सेज में आपको देखने को मिलेंगे और एक हज़ार स्टूडेंट्स आपको यू जी कोर्सेज मतलब एक हर बैच में मतलब चार हजार स्टूडेंट्स आपको बी टेक के घूरते इधर उधर दिखेंगे पूरे कैंपस में इसके बाद हम लोग बात करें जो करेंट देखिए सैंशनड अप्रूव्ड इनटेक कितना है बट आप करेंट बैच का देखिए स्ट्रेंथ क्या है जो इंस्टीट्यूट यू कोर्स में आप देख सकते हो तीन हज़ार से स्टूडेंट्स हैं और इसमें फ़ीमेल्स इतने हैं तो टोटल मिलाकर आपको चार हज़ार स्टूडेंट्स आसपास देखने को मिल जा रहे हैं इसके बाद हम लोग चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको प्लेसमेंट हाईलाइट्स की और नंबर्स में डील करते हैं तो हम अगर देखें दोस्तों कि स्टूडेंट नौ थे पहले और अगर उनकी बैच की बात करें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एडमिटेड भी एक नौ के आसपास और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट मतलब जैसे आपको पता है कि बाद में फिर वो लोग क्या बोलते हैं सेकेंड ईयर में बच्चों को एंट्री करवाते तो यहाँ पर एक हज़ार पाँच लिखा हुआ आई डोंट नो कि ये विजिबल होगा कि नहीं आप लोगों को बट इसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें से प्लेस थे दैट वॉज ओनली फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी टू स्टूडेंट्स बिलीव मी और नॉट दिस इज जस्ट फिफ्टी परसेंट प्लेसमेंट और ये कब की बात है दो हज़ार सत्रह की अट्ठारह वाले बैच मतलब ये दो हज़ार मैं इक्कीस बाईस की बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएट हुए हैं कॉलेज से नाउ लेट्स टेक दिस नंबर 2018-19 के बैच मतलब चार साल जोड़ लीजिए वहाँ से 2018-2022 पास आउट उस समय तो अच्छा प्लेसमेंट सब कॉलेज में हो रहा था 942 स्टूडेंट्स में से 750 स्टूडेंट की प्लेसमेंट हुई है ये जो नंबर है ना हायर स्टडीज़ दोस्तों कौन सी हायर स्टडीज़ किसकी एक बार में हायर स्टडीज में लग जाते हैं कौन एक सौ बच्चा पूरा कैंपस से हायर स्टडीज करने चले जाता है इधर उधर कहूँ भी भर्ती हो जाना इज नॉट हायर स्टडीज तो ये आप नहीं कैलकुलेट कर सकते दिस इज अ फ्रॉड नंबर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एक बार में अगर एक ही कॉलेज से एक सौ स्टूडेंट्स अगर गेटिंग इन टू आई आई ना विच इज़ वेरी डिफिकल्ट विच इज लाइक नॉट पॉसिबल और गेटिंग माई पॉइंट राइट

इसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दीज नंबर्स आर वेरी बैड दिस शोज दिस कॉलेज इज़ नॉट प्रोवाइडिंग गुड प्लेसमेंट अब आप बोल रहे होगे कि नहीं नहीं रिसेशन आया है तो लेट सी दिस नंबर पहले आप बोलते हो कि कॉलेज की पैकेज तीन हज़ार तीन लाख अस्सी हज़ार थी जैसे कि मैंने बताता हूँ 2022 में सबसे अच्छी अच्छी प्लेसमेंट हुई थी बिकॉज कंपनी ज़्यादा ज़्यादा हायर की थी इसलिए ये नंबर बढ़ के दोस्तों आप देखिए बढ़ के पाँच लाख फिफ्टी फोर्टी फाइव हो जाता है ये फाइव लाख फो फाइव पॉइंट फोर एल हो जाता है मीडियम पैकेज व्हाट इज मीडियम आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा मीन मीडियम मोड ट्रिपल एम मीन का मतलब होता है एवरेज करना मीडियम होता है एक ऐसा नंबर सोचिए सेंट्रल नंबर इससे आधे बच्चे आगे हैं इससे आधे बच्चे पीछे तो आधे बच्चे जो इससे आगे हैं परी पाँच लाख फोर्टी फाइव है और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 4.8 मतलब 2023 में 4.8 का हुआ है एवरेज मैंने मीडियम और वो नंबर भी कितना है दोस्तों आप सोच के देखिए कि यहाँ पर 200 बच्चे तक प्लेस नहीं हो पा रहे तो जो कोर डिपार्टमेंट्स में भी ये डोनेशन ले रहे हैं केमिकल के लिए तीन चार लाख रुपए लेते हैं तो ये कॉलेज क्या सच में ये पैसे डिजर्व करती है क्या सिर्फ कैंपस ही आपके लिए ज़रूरी है क्या वर्दी इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ कप ऑफ टीज ऑफ एवरी

दिस इज़ दी रियलिटी एक स्टूडेंट इससे भी हायर स्टडीज़ करेगा मतलब पी एच डी वन ट्वेंटी सिक्स स्टूडेंट में से सिर्फ एट स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड और आप एक चीज़ और देखिए वन ट्वेंटी सिक्स स्टूडेंट्स में से जो इंटेक था एडमिट में सॉरी मैं गलती नंबर बोल रहा हूँ आईम वेरी सॉरी फॉर देट आप यहाँ पर देखिए वन फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन स्टूडेंट्स एंड फोर्टी नाइन स्टूडेंट्स की इनटेक हुई थी मतलब फोर्टी सेवन स्टूडेंट थे फिर भी एट सोच रहे हैं आप मतलब ट्वेंटी परसेंट इज द प्लेसमेंट रेट इन दीजी इज़ दिस कॉलेज अ डिजर्विंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक दिस इज द रियालिटी ऑफ हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप थर्टी एट स्टूडेंट लास्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और ट्वेंटी वन बैच में थर्टी एट स्टूडेंट ही भर्ती हुए वन ट्वेंटी सिक्स में सिक्सटीन स्टूडेंट को प्लेस हुआ है सिर्फ फिफ्टी परसेंट ऑफ द बैच को भी प्लेस नहीं कर पा रहे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में और एवरेज पैकेज फोर पॉइंट फाइव पहले कितना था तीन साल पहले फोर पॉइंट टू मैं नहीं कह रहा कि दोस्तों दूसरे कॉलेजेस कमाल कर रहे हैं इसके हिसाब से बट मैं पूछना चाहता हूँ द क्वेश्चन अराइजेस हयर कि ये कॉलेज जब वन टू थ्री का रैंकिंग बोलती है अपने आप को पैसे लेती है इतना तो सिर्फ कैंपस छोड़ के ये कॉलेज आपको और क्या देती है ये सवाल आप उत्तर दीजिएगा व्हाट्स योर टेक ऑन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये एन आई आर ऑफ डेटा है ये ओरिजिनल डेटा है ये ऐसा डेटा है जो दोस्तों कॉलेज हो मेरे पे केस कर सकती है पर वो कर नहीं पाएगी बिकॉज मैं उन्हीं के वेबसाइट से उन्हीं का डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूं आया समझ में तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए ऐसे वीडियोस और आपको और चाहिए इससे तो लाख गुना अच्छा लगा है दोस्तों कि आप सात लाख रुपए देके के में पढ़िए या तो डोनेशन इस कॉलेज तो डिजर्व ही नहीं करती मैं मानता हूं कंप्यूटर साइंस जा रहे हैं कुछ अलग अलग जा रहे हैं तो यूनिक बात हो सकती है कितना हाईएस्ट पैकेज दिला देगी बीस लाख तीस लाख छः सात बच्चों को उसके बाद जो बच्चे बचेंगे उनका क्या जब इनका जो सी में इनटेक है दैट इज़ अराउंड 400 स्टूडेंट्स 300 स्टूडेंट्स सर उसमें आपको सिक्स स्टूडेंट्स में आना है टू गेट दैट 20 लैक्स पैकेज आफ्टर दैट दिस कॉलेज गिव्स द सेम टी सी एस सेवन लैक्स एट लैक्स And where they are asking around 10 12 lakhs of donation. I don't think so. This is a worthy investment college at all. So, this was my take on Heritage Institute of Technology. What's your take? Comment down in the comment section.